हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डेल ऑपरेटर के बारे में। तो ये हमारी नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट हुई है। इसमें बेसिकली जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स इन वैक्यूम में, और ये स्पेशली डिज़ाइन किया है मैंने ये जो लेक्चर सीरीज़, ये इंजीनियरिंग फिजिक्स के लिए है। तो पर इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स या मैक्सवेल्स इक्वेशंस को समझने के लिए हमें जो ऑपरेटर फॉर्मुलिज्म है यानी डिफरेंशियल कैलकुलस का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारी की सारी मैक्सवेल इक्वेशंस हैं वो डेल ऑपरेटर के टर्म्स में आपको मिलेगी। हम डाइवर्जेंस, कर्ल या ग्रेडियंट के टर्म्स में हम मैक्सवेल इक्वेशंस को देखते हैं। तो उसको समझने के लिए हमको डिफरेंशियल कैलकुलस का आना बहुत ज़रूरी है। तो उसी सीरीज़ में ये पहला वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं डेल ऑपरेटर के बारे में। तो डेल ऑपरेटर का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं इस डेल्टा टर्म से, डेल्टा। ओके, दिस कैपिटल डेल्टा टर्म है ना, इसको हम, दिस इज़ अ लेटर विच इज़ वी कॉल्ड डेल्टा, कैपिटल डेल्टा। ओके, दिस डेल्टा इज इक्वल्स टू आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। ठीक है, सो दिस इज अवर, दिस ऑपरेटर वी कॉल डेल ऑपरेटर। तो इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? इसका यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली ये कैसा है ऑपरेटर है? डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ठीक है, तो कोई फंक्शन है जो थ्री, जिसके थ्री वेरिएबल्स हैं एक्स वाई जेड, तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो ये ऑपरेटर, ये ऑपरेट होगा किसी फंक्शन पे। अब वो फंक्शन आपका स्केलर भी हो सकता है, वेक्टर भी हो सकता है। ओके, तो ओवरऑल इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये स्केलर है या वेक्टर है, पर आप इसको ये कह सकते हो, डेल ऑपरेटर मीन्स दिस डेल ऑपरेटर ऑपरेटर इज अ वेक्टर ऑपरेटर। ओके, डेल ऑपरेटर इज ए वेक्टर ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर किस पे एक्ट होगा? ये ऑपरेटर एक्ट होगा आपका फंक्शंस पे। कैसे फंक्शन? स्केलर फंक्शन या वेक्टर फंक्शन। तो इसको हम ऑपरेट करेंगे, इसको हम ऑपरेट करेंगे। तो इसको आप ऐसे समझो, ये एक तरीके का ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको ऑपरेट कराएंगे। ठीक है, इसको हमेशा ऑपरेट कराएंगे। तो इसको समझो कि ये एक तरीके का, इस तरीके का ऑपरेटर है ना, एक तरीके का मगरमच्छ समझो जिसका मुंह हमेशा खुला हुआ है। इसको कुछ चाहिए है ना, कोई फंक्शन चाहिए जिसको ये जिस पे ऑपरेट कराएं आप इसको ना। ओके, तो कैसे इसको ऑपरेट करा सकते हैं? सो वी कैन ऑपरेट दिस डेल ऑपरेटर। सो डेल ऑपरेटर, डेल ऑपरेटर कैन एक्ट। ओके, किस किस तरीके से ये एक्ट कर सकता है? तो इसमें पहला पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, किस तरीके से एक्ट करेगा है ना। तो देखिए ज़रा, तो डेल ऑपरेटर हमने क्या डिफाइन किया है? डेल ऑपरेटर हमने डिफाइन किया है, ये हमारा डेल ऑपरेटर है। डेल ऑपरेटर इट इज़ आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। ठीक है, एंड दिस डेल ऑपरेटर कैन एक्ट, कैन एक्ट। ओके, कितने तरीके से एक्ट कर सकता है? थ्री वे से एक्ट कर सकता है। द फर्स्ट वे, द फर्स्ट वे इट कैन एक्ट ओवर अ स्केलर फंक्शन। किसी स्केलर फंक्शन पे ये कैसे एक्ट करेगा? तो एक स्केलर फंक्शन ले लो, मान लीजिए मैं एक स्केलर फंक्शन एफ ले लेता हूँ। ठीक है, एफ, तो स्केलर फंक्शन एफ पे ये एक्ट करेगा ग्रेडियंट डेल ऑफ एफ। ओके, एंड दिस इज वी कॉल्ड ग्रेडियंट, दिस इज वी कॉल्ड ग्रेडियंट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, दिस कैन एक्ट ओवर आ वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन। तो एक वेक्टर फंक्शन मैं ले लेता हूँ, वेक्टर फंक्शन में ले रहा हूँ कैपिटल ए,
कैपिटल ए, दिस इज अवर वेक्टर। ओके, वेलोसिटी भी ले सकते हैं, कोई भी वेक्टर आपका जो एज ए फंक्शन आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, थ्रू अ डॉट प्रोडक्ट, बाई अ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा ऑपरेटर नहीं लगा, इसको डायरेक्ट ऑपरेट किया हमने एफ पे, क्योंकि एफ क्या था, स्केलर था। अब वेक्टर ए है तो उस पर हम ऑपरेट कराएंगे थ्रू ए डॉट प्रोडक्ट, इस मीन्स दिस डेल ऑपरेटर डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर ए, एंड दिस इज वी कॉल्ड डाइवर्जेंस, दिस इज वी कॉल्ड डाइवर्जेंस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट थ्री, थर्ड पॉइंट, कि थर्ड पॉइंट ये है कि अब हम इसको एक्ट कराएंगे, दिस डेल ऑपरेटर कैन एक्ट ओवर ए वेक्टर फंक्शन, अगेन ओवर अ वेक्टर फंक्शन दैट इज कैपिटल ए, अगेन बाई अ क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब ये क्रॉस प्रोडक्ट से हम इसको ऑपरेट कराएंगे तो देखें क्या मिलेगा, मीन्स दिस डेल ऑपरेटर क्रॉस ए एंड दैट इज वी कॉल्ड कर्ल। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर एंड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, हम इसको कंसीडर करते हैं वेक्टर एंड आल्सो कर्ल ऑफ वेक्टर। ओके, तो इन तीन तरीके से हम इसको ऑपरेट करा सकते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ या और डाइवर्जेंस और कर्ल। ओके, तो ये था डेल ऑपरेटर के बारे में, है ना। तो अब ये ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल क्या होते हैं, किसी फंक्शन का, स्केलर फंक्शन का हम ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे, किसी वेक्टर फंक्शन का हम डाइवर्जेंस कैसे निकालेंगे, और किसी वेक्टर फंक्शन का हम कर्ल कैसे निकालेंगे, ये सब हम अब हम आने वाले अपने लेक्चर्स में ही सब डिस्कस करेंगे। तो अगला जो वीडियो इस सीरीज़ में आएगा वो आएगा किसी फंक्शन का, स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकाला जाए। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।